हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि न्यूट्रिशन का है और बायोकेमिस्ट्री का है। दो आपके पेपर जो हैं वो इसमें हैं और ये जो पेपर होते हैं क्योंकि ये साथ में होते हैं तो 40 नंबर का न्यूट्रिशन और 40 नंबर का बायोकेमिस्ट्री का आता है। 3 आवर्स का पेपर होता है और ये 2021 में हुआ है, अप्रैल के महीने में। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहने वाला है और जब आप पेपर करते हो तो आपको शुरू के ही यानी कि क्वेश्चन से स्पीड बना के रखनी है ताकि आपका पेपर जो है वो छूट ना जाए, क्योंकि लेंथी भी आता है आपका पेपर। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है हेल्थ के बारे में कि डेफिनेशन बताना है हेल्थ का। तो डेफिनेशन आपको याद कर लेना है हेल्थ का। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग नॉट मेरे द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। ये इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेना ना, तो 2 नंबर पूरे हैं आपके। फिर डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। अगला है प्लान डाइट चार्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट। जिसको डायबिटीज़ है उसका आपको डाइट चार्ट बना देना है, क्योंकि जैसे कि डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या जैसे मीठा नहीं देते हैं उसमें, तो वो एक तो कुछ आपको अवॉइड क्या करना है और क्या लेना है डाइट में वो लिखना है, और साथ में एक डाइट चार्ट लिख देना जिसमें कि आप मॉर्निंग डाइट, इवनिंग डाइट, आफ्टरनून की डाइट और नाइट रूटीन में क्या रहेगा, नाइट की डाइट क्या रहेगी, इवनिंग डाइट क्या रहेगी वो बता देना। तो चार्ट अगर इस तरह से आप चार्ट बनाओगे ना तो सही लगेगा उसमें। अब इसमें आप मॉर्निंग का बता सकते हो, इसमें आप आफ्टरनून का बता सकते हो, इसमें आप इवनिंग का बता सकते हो, स्नैक का टाइम का भी आप लिख सकते हो। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट जो फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले, उन एनर्जी का सोर्स होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जिस न्यूट्रिएंट से मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। उसको आपको डिफाइन करना है और क्लासिफिकेशन होती है इसकी, जैसे कि डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, तो वो आपको इसमें बताना है। फिर आपका नेक्स्ट है डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या क्या चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को, वो बताएंगे। टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, या फिर अगर फूड स्टोरेज का भी आता है तो यही क्वेश्चन बनना, यही आंसर बनेगा, सेम आंसर बनता है उनका। डिस्कस अबाउट फूड हाइजीन। अगला है थर्ड क्वेश्चन, देखिए एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट एंड शॉर्ट नोट आए हैं इनमें, तो ये आपके 6 मार्क्स के हैं। सोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइट्री फाइबर्स। नेक्स्ट शॉर्ट नोट पूछे गए हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। वाटर लॉस बहुत तरीके से होता है, बट इन्होंने पूछा इनसेंसिबल वाटर लॉस कैसे कैसे हो सकता है वो आपको लिखना है। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें आपकी 2 कंडीशंस आती हैं क्वाशियोरकर और मारास्मस, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना। मिड डे मील प्रोग्राम, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मिड डे मील प्रोग्राम। आपको कम्युनिटी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें भी पूछा जा सकता है, तो ये ज़रूर याद कर लेना कि कब आया था, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या यानी कि मील्स में क्या क्या चीज़ें देती है, कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन दिया जाता है वो। विटामिन ए, तो विटामिन ए के बारे में आप लिखना, क्या क्या सोर्सेज हैं और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती हैं। अगला बायोकेमिस्ट्री का जो सेक्शन बी है वो देखते हैं। इसमें आपको पूछा गया है बफर सिस्टम, तो बफर सिस्टम पूछा गया है इसमें, ये हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बफर सिस्टम, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स विद एग्जांपल्स। मिनरल्स के आपको नाम लिख देने हैं, यानी कि मिनरल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे विटामिन होते हैं वैसे मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटाशियम है, तो वो जो मिनरल्स हैं जितने भी सारे वो एग्जाम्पल के साथ में आपको बताने हैं। डिस्कस द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन, तो यहाँ पर तो जितने भी विटामिन आते हैं हमारे, अगर तो आपको अच्छे से याद हो जाते हैं तो विटामिन के नेम, केमिकल नेम यानी कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं, और उनकी सभी की कमी से होने वाली प्रॉब्लम से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से, डी की कमी से और विटामिन सी की कमी से होने वाली प्रॉब्लम्स, विटामिन बी होता है तो उसमें विटामिन बी की फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है, B1 है, B2 है, B5 है, B3 है, B6 है, तो ये इनकी भी आपको क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं, जितना भी याद रहता है आप कर सकते हो उसको याद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपसे किसी भी विटामिन का पूछा जा सकता है, किसी भी विटामिन का, ऐसा नहीं कि विटामिन डी पूछेंगे, विटामिन ए पूछेंगे, कोई भी विटामिन आपसे आ सकता है और पूछ सकते हैं उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़, उसके सोर्सेज क्या हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से 3 को डिस्क्राइब करने को कहा गया है और इसके मार्क्स भी आप सामने देख ही सकते हो, ये हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूछा है आपसे,
लाइपोप्रोटीन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, अगला है इसमें नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जब हम सेल वाला चैप्टर यानी कि फर्स्ट ही यूनिट होती है वैसे तो सेल वाली, और एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं हम ये और बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, उसमें दो तरह के हम सेल पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो कि ह्यूमन सेल होते हैं यूकैरियोटिक, इनके बारे में आपसे पूछा गया है और डिफरेंस पूछा गया है इनका। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में पूछा है, देखो कार्बोहाइड्रेट भी पूछ लिया आपसे, प्रोटीन भी पूछ लिया आपसे, और ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपको ऊपर भी पूछ सकते हैं यानी कि न्यूट्रिशन में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, बायोकेमिस्ट्री में भी, क्योंकि मिक्सअप होता है ये न्यूट्रिशन के जो क्वेश्चन हैं वो रिलेटेड होते हैं बायोकेमिस्ट्री से भी। अगला है इम्यूनोग्लोबुलिंस, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिंस हम जब पढ़ते हैं तो गाम डिसीज को पढ़ते हैं, है ना, इस तरह से पढ़ते हैं हम उसको, इम्यूनोग्लोबिन GAMDE। तो इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो हर एक इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। शॉर्ट नोट में आए हैं आपको यूरिया साइकिल, ये जो साइकिल्स हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई एक साइकिल ज़रूर आता है, और यहाँ तो दो दो पूछे गए, TCA भी पूछा गया है, फैटी एसिड्स के बारे में पूछा गया है, और पैलाग्रा जिसमें कि फोर डिजीज, थ्री या फिर थ्री डिजीज, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस वगैरह आता है वो है ये, और नियासिन की कमी से होने वाली प्रॉब्लम है। तो ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं, देख लेना आप इनको भी अपनी तैयारी अगर एग्जाम्स की कर रहे हो तो वो तो कंटिन्यू करनी है, लेकिन इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जाम्स में आने वाले, वो आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, ठीक है, तो इनको तो आप ज़रूर देख लेना। एंड फ्रेंड्स जो आपके दूसरे पेपर्स हैं अदर सब्जेक्ट के, जो फर्स्ट ईयर के अलग अलग सब्जेक्ट है BSc वालों के, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लेना उसको भी, ठीक है। टेलीग्राम में ज्वाइन ज़रूर कर लेना, नर्सिंग क्राइटेरिया नाम से हमारा वहाँ पर ग्रुप है, और मैं पिन कमेंट में भी उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।